मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू गिरिमाला इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू हिंदी। इन प्रीवियस क्लास आई हैड टॉट यू व्यंजन वर्ण क से अंग, यानी लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को क से अंग तक सिखाया था, बुक वर्क भी कराया और कॉपी वर्क भी कराया। आज मैं उसके आगे का अक्षर पढ़ाऊंगी आपको, च। च से जैसा कि आपने ओरल में पढ़ा है, च से चम्मच, च से चूहा, च से चटाई, उसी च को आज हम बुक वर्क करेंगे, लिखना सीखेंगे। जैसा कि आप लोग सभी देख रहे हैं, आपके पास हिंदी वर्क बुक है, पेज नंबर 49 आपका आज का क्लास वर्क होगा। आप पेज नंबर 49 ओपन करें और मैं आपको बोर्ड पे दिखाती हूँ कि किस तरह से च को लिखना है। आप लोग सब देख रहे हैं, मैंने बोर्ड की तरह यहाँ पे फोर लाइन ड्रॉ करके रखा है, सॉरी फाइव लाइन ड्रॉ करके रखा है, थ्री ब्लू लाइन है और दो रेड लाइन है। तो इसी पे आज हम लिखेंगे च कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम वन टू थ्री जो ब्लू लाइन है, इनके फर्स्ट और सेकेंड ब्लू लाइन के बीच से एक सीधी रेखा खींचेंगे और यहाँ से फिर हम आधा गोला लेंगे जो यहाँ से होते हुए यहाँ तक आएगा, यानी बीच वाली ब्लू लाइन से थोड़ा नीचे तक, और फिर हम एक खड़ी रेखा यहाँ से खींच देंगे और इसे ऊपर से फिर सीधी रेखा से बंद करेंगे। तो ये हमारा बन जाएगा चौक। तो बच्चों इसी तरह से आपको क्या करना है, चौक देखना है। देखिए जैसे पहली और दूसरी लाइन के बीच से, यानी बीच या थोड़ा सा नीचे से एक छोटी सी पहले हम सीधी रेखा खींचेंगे और यहीं से आधा गोल करते हुए इसे ऊपर तक हमें सटाना नहीं, यहीं तक ले जाना और फिर यहाँ से एक खड़ी रेखा खींचनी और ऊपर से इसे सीधी रेखा से बंद कर देना है। तो ये हमारा बन जाएगा चौक। तो आप सभी बच्चे अपने अपनी बुक का पेज नंबर 49 ओपन करेंगे। इस पूरे ट्रेस डॉट्स पे, इस पूरे डॉट्स पे आपको ट्रेस करना है। ये आपका क्लास वर्क है पेज नंबर 49। और उसी तरह पीछे जब आप पेज टर्न करेंगे तो पेज नंबर 50 इज योर होमवर्क और ये आपको होमवर्क में बनाना है च। इंस्ट्रक्शन भी आपको बुक में दिए गए हैं कि किस तरह से अगर आप इसको फॉलो करेंगे। यहाँ जो आप इंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, ये देखिए स्ट्रोक बाय स्ट्रोक आपको बताया गया है, 1 2 3 4 कि पहले कैसे करना है। पहले हल्की सीधी रेखा, फिर आधा सर्किल, फिर खड़ी रेखा और फिर ऊपर से सीधी रेखा से। तो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। नाउ स्टार्ट योर क्लास वर्क। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।